हेलो दगड़ियों, नमस्ते। पहला प्रणाम। तो दोस्तों, मैं हिमा नेगी बागेश्वर बिलोना सिरा से, दोस्तों आपका स्वागत करती हूँ हिमा नेगी पहाड़न ब्लॉग पर। दोस्तों आज मेरा कुछ खास काम है जो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आज मेरा घर का ही काम है। दोस्तों आज मैं भूज के बड़ी बना रही हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहना और आपको दिखाती हूँ कैसे भूज काटे जाते हैं और कितने भूज अभी हमने काटे हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों कम से कम हमने 6 भूज तो काट ही दिए हैं। ये साफ हो चुके हैं, ये अभी साफ करने बाकी हैं। कुछ हमारे छत में भी पड़े हैं भूजे और एक और भी काटने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में काटेंगे और इनको साफ करके हम छत में ले जाएंगे। तो दोस्तों पहाड़ी नौशेरा बड़ी कैसे बनाते हैं ये हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और इसमें हम क्या क्या मिलाते हैं, पहले हम ये भूज, इसको पेठा भी बोलते हैं, पेठा इसको कोरेंगे और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मांस। मांस भी हमने भिगाने डाले हैं, इसमें है हमारे मांस, तो ये अभी कम ही भीगे हैं, थोड़ी देर में ये भीग जाएंगे। कोई लोग इसमें मसूर भी डालते हैं और गहद भी डालते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ मांस के बनाए हैं। और ये हैं गडेरी के पापड़, ये आपको दिख रहा होगा गडेरी का जो पेड़ होते हैं, उसको हमने काट के फिर छीला, उसके बाद साफ सूख करके धो धा के हमने इनको सुखा दिया। फिर अभी बनाने के टाइम पर इनको पानी में भिगा के जो कि ये फूल जाएंगे, उसके बाद पूरी सामग्री हम मिला मुड़ के इसका बड़ी बनाएंगे। तो दोस्तों आप अभी मेरे साथ बने रहें, मैं आपको दिखाऊंगी हम इसको कैसे कोरते हैं। तो दगड़ो अब हम कोरने लगे भुजे, इनको पेठा भी बोला जाता है, इनका पेठा की मिठाई भी बनती है, बहुत अच्छी स्वादिष्ट, कभी कभी घर में बना लेते हैं हम पेठा। और अभी तो ये सब्जी के लिए, जैसे सोयाबीन की बड़ी होती है वैसी हम भुजे की बड़ी बनाते हैं मांस वगैरह डाल के। तो हम लगे हैं सास और बहू, सास बहू का चैनल अभी खुला है ये भूज कोनिया। हम फटाफट तो ऊपर गए थे छत में, वहाँ बहुत तेज धूप थी, चड़कन घाम लग रही थी, तो हम नीचे आ गए। और यहाँ पर हमारा छायादार वृक्ष है, अच्छा लग रहा छाया में, तो हम यहाँ बैठ के अब भुजा कोर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा ये सब फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद हम पीसेंगे मांस और भी बनाएंगे हम बड़ी, जो अक्सर तुम लोग होगा कदू चनी भाई है बड़ी है बड़ून को बड़ी बड़ून मस्त मस्त ये डिमांड खाबा खाबा है रे बा 4 किलो 4 किलो मसाल का का भेजन हन मूल बड़ी मा ते नोजी नो भेजन हन ते जोरो भेजन हन। तो दोस्तों हमारे बड़ी की डिमांड बोल रहे हैं मेरे सासू मां, बॉम्बे से डिमांड आया है, जयपुर से डिमांड आया है, हल्द्वानी से डिमांड आया है। तो हमने इतने जगह बड़ी भेजने हैं, कुछ अपने खाने के लिए रखेंगे। चैता महल का काम हमारी अब बड़ी चला, तो उसके बाद ही गर्मी आ जाती है, वही लगल वही अच्छा लगता है। ये बड़ी की सब बड़ी सब्जी हो, आलू बड़ी भी, टपकी भी अच्छा होता है इसका, बड़ी की झोली भी अच्छी होती है। अरे यार आज तो चड़कन घाम लाग रहे हो, और तब हम भुजे बड़ी बड़ूनिया जो कि जल्दी सूख जाल, और बहुत तेज धूप लाग रहा, बिल्कुल चड़कन वाल घाम लागन रहे हो, छत में बैठी आयल। तो दोस्तों अल्ल देखूँ तो मन है कोरोना। तो दोस्तों अब हमारे रह गए बड़ी ने तैयारी, अब हम इनका सैन सुनबेर बड़ू ने बड़ ये छन हम पापड़ सब ठूल वाल टम में डालू कर लियो, फिर नान वाल भान में कम पड़ जा। मेटेरियल बहुत ज़्यादा छू, ये है मांस, इसमें मांस डाल देती हूँ। अभी पोछ पाछ के डालूंगी, बहुत ही होती हवा चलती है, सर 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 करके तो बहुत ठंडा हो जाता है, काम नहीं लगते हैं हम। पेठा वैसे भी ठंडा होता है ना दोस्तों। अब इसको सान सुन के पूरा मिला लेती हूँ अच्छे से, पापड़ भी और भुज भी मांस भी, जब सब एक साथ मिल जाएंगे ना ये, उसके बाद हम इसको अलग अलग बड़ी बनाएंगे। आज धूप, अभी अभी बादल लगा था, अभी धूप आ गई, फिर ये धूप आजकल वैसे तेजी धूप हो रहे हैं, जल्दी सूख जाएंगे, बंदर भी आ गया आज से,
आज तो ये गए थे शीशा खानी लेटी जोल कांडे गए थे बंदर अपने मायके, आज को आज ही आए हैं, सुबह सुबह आ गए वो आज, कल से गए थे अपने मायके। उनका मायका ठहरा होगा फसल के टाइम पर ना एक बार ही चले जाते हैं वहाँ, शीशा खानी हो गया, लेटी हो गया, जोल कांडे हो गया, इधर उधर जाते रहते हैं, फिर सर्दियों में इधर आ जाएंगे बिलोना शेरा में धूप सेकने के लिए। तो दोस्तों ये मिल चुका है, अब हम इसका बनाएंगे बड़ी। वाह कदिन सुगनी कदिन खानू हरे, बहुत टेस्टी सब्जी हुई है, पापड़ मिला के तो और भी बढ़िया। तो दोस्तों अब हम बनाने लग गए बड़ी, ये हमको अलग अलग बर्तन में रख दिया हमने, और ये मैं सासनक छू खान, ये मैं और छू हम टपा टप बड़ी बड़ू हूँ, आप का सुनी में बड़ी हो, इसको तो नहीं भाई क्या ठूल तो नहीं आई हो ठूल, मेरा शीप लो नहीं उसी बढ़ाते रूनू फटाफट धाम बढ़िया लग रहे हो, काम तो पहले आ जाए और काम तो पहले आ जाए और बड़े बढ़ जानी हम बड़ी साग जहाँ को तो वाला मारियो बड़े खुनतू ने फड़ा जो ओहो तो मैं रह आए यहाँ आखिर में दूध में देखने ला रही बिल्कुल। तो दोस्तों अब लगभग बन चुके हैं हमारे बड़ी, ये हजाला हमारा अच्छा सुनियो। तो दोस्तों हमारे पूरे बड़ी बन चुके हैं, अब इनको हम दो चार दिन धूप में सुखाएंगे और फिर जिसको देना होगा जिसको लेना होगा वो दे देंगे हम। अच्छा कदू बान कर पड़ा दी नार कदू को बहुत यार नोर दिया गया जोर हो गए हम गया को उनी जानी मैस उनी जानी ना काम का पुजो न पुजो ना सब बोलनी बा बाप का ठुल तो ना गया म बढ़िया परदेशी भाई मैं ना भी बढ़ाई हो का ठुल तो ना गए मैं ठेवरी बाप रे बड़ी तो बहुत बना दिया हमने ये सोगला जब बुरा वाले ये सोगला ना बढ़िया वाल पे बुलावा सोगला बुलावा मणि नान नान ज जला तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। दोस्तों मेरे ब्लॉग को देखते ही आप लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों कल मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग के साथ, धन्यवाद।